विदेशों में भी हर देश के नागरिक जाति धर्म रंग भेद को छोड़कर सब एक होकर योग मना रहे हैं। मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, बौद्धिक तौर पे इकट्ठे होकर अपने शरीर को, अपने जीवन को सही बनाना, ठीक बनाना, सही जीवन पद्धति को अपनाना और आगे बढ़ना। सारा विश्व अगर योग करे, एक होकर चले, तो विश्व बहुत सुंदर हो जाए, झगड़े खत्म हो जाए और शांतिपूर्वक विश्व आगे विकास के साथ बढ़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस अवसर पर मैं तो सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, विश्व स्तर पर इस विषय को इस प्रकार से उठाया और आखिरकार फिर विश्व ने इस बात को स्वीकार किया कि योग भारत की ही सही लेकिन उसको पूरे विश्व को स्वीकार करना चाहिए और उस दृष्टि से पूरे विश्व ने एक स्वीकारता को आगे बढ़ाते हुए आज का दिन जो है 21 जून जो है जो योग दिवस के रूप में पूरे विश्व भर में मनाने का स्वीकार किया। और इसमें मैं इस बात को लेकर के भी महसूस करता हूँ कि स्वामी रामदेव जी का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है, क्योंकि मूल रूप से भारत का ये सारा विषय होने के बावजूद भी, मूल चिंतन होने के बावजूद भी, कहीं ये बहुत अरसे से जो है ये गुम हो गया था, लुप्त होने के पराय पर था, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से इस सारे विषय को देश के सामने रखा और देश के बाद फिर विश्व के सामने रखा, विभिन्न देशों में जाकर के प्रवास करके योग बहुत आवश्यक है और उस दृष्टि से प्रिवेंटिव साइड पर जो ज़्यादा ध्यान दिया गया और योग क्रिया और योग विधा अपने आप में प्रिवेंटिव की सबसे जिसको कहा मूल है, और ऐसी विधा को हम सब लोग जब समाज के में एक जिसको कहते हैं कि सभी समाज के लोग इसमें एक साथ शामिल होते हैं तो समाज खुशहाल होता है, स्वस्थ होता है। स्वास्थ्य मंत्री के हैसियत से आप पूरे विश्व योग कर रहा है, कितना महत्वपूर्ण है? सबसे पहली बात तो ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से जब उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में इस बात को कहा कि भारत की पारंपरिक विधा योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए और 70 से ज़्यादा देशों ने उसका समर्थन किया, तत्पश्चात यूएन जनरल असेंबली ने हरित किया कि 21 जून को प्रतिवर्ष योग दिवस मनाया जाएगा, तो हमें ध्यान में आता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच कितनी दूरगामी रही कि आज योग विधा सिर्फ भारत की ही विधा नहीं है बल्कि दुनिया में हर लोग, हर व्यक्ति इससे जुड़ रहा है। मैं यही कहूँगा, वी हैव डिसाइडेड टू कन्वर्ट 150,000 सब सेंटर्स इनटू वेलनेस सेंटर्स एंड दिस वेलनेस सेंटर इज गोइंग टू हैव अ करिकुलम फॉर योग आल्सो। सो व्हाट आई विल सजेस्ट दैट बाय 2022 150,000 सब सेंटर्स एंड PHCs विल बी कन्वर्टेड इनटू वेलनेस सेंटर एंड But I would request the people of our country, my brothers and sisters, to join hands to make India healthy through yoga. Thank you. दिवस मनाने जब हो रहा है तो नहीं सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कोने कोने में करोड़ों लोग आज एक साथ योग में भाग ले रहे हैं। यह मानवता के लिए, एक उनके स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, जिस संदेश के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि खुशहाल समाज रहे, स्वस्थ शरीर रहे और स्वस्थ समाज रहे, इसके लिए स्वस्थ शरीर का होना भी बड़ा आवश्यक है। और जिस तरीके से हमने रोग को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देखा है कि हम निरोगी रहें, पहले रोगी बने और फिर उसकी हम चिंता करें, इससे अच्छा ये है कि हम निरोगी रहें, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। इस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इस योग दिवस को हर वर्ष मनाएं ताकि जन जन तक तो है इसका अभियान पहुंचे, हर व्यक्ति जो है योग के साथ जुड़े, इसके लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभारी हूं।
कि उन्होंने इस को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है लेकर जो है आज लगभग 190 देशों में जो है योग दिवस जो है वो मनाया जाता है। आज सोलन में भी हम सभी लोग लगभग 1200 बच्चे, यहाँ की महिलाएं, इवन हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो जो है इस कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं यही मानता हूँ कि अगर हम योग रेगुलर करें, दिन प्रतिदिन करें, सुबह रात को बैठकर जो है वो करें, तो अवश्य ही हमारा जो जीवन है वो सुगम होगा। इस क्रम को जोड़ना चाहिए और विद्यालयों में जोड़ा ही जाए और दफ्तरों में भी एक दिन ऐसा हो कि इसको रिवाइज किया जाए, जिससे भारत की योग विद्या जो लुप्त हो गई है वो दोबारा उसी सर सरकार को कुछ ऐसा भी करना चाहिए कि रोजाना योग क्लासेस लगानी चाहिए। अब जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो हम मना रहे हैं यहाँ पे, तो स्वाभाविक रूप से जो है वो एक दिन में जो है वो सब कुछ जो है वो नहीं हो पाएगा। शरीर बहुत स्वस्थ रखना चाहते हैं तो एक दिन में योग करने से कुछ नहीं हो पाएगा, तो इसको अगर हम कंटिन्यू करें, लगातार करें, तभी जाके जो है वो हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो ज़रूरी है कि अब जहाँ हमारे स्कूल में जो है पाठ्यक्रम में जो योग जो है होना अतिवश्यक है। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में आज यहाँ भी कांगड़ा में जो जीवन पब्लिक स्कूल में जो है वो योग शिविर जो है यहाँ पे लगाया गया आत्मनिर्भर द्वारा, और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, योग शिविर में भाग लिया। तो हम आगे भी कामना करते हैं, जिसको सर्वाइकल है वो कॉलर बांध देते हैं और पेन किलर देते हैं, थोड़ा बहुत राहत हो जाती है लेकिन इलाज नहीं। जिसको भी सर्वाइकल है, कॉलर बंधा है, उसको ये क्रिया करवा दें, 15 दिन बहुत है, 15 दिन के बीच कॉलर खुल जाएगा, दवाई की